आप लोग बैठ जाइए सब लोग आगे सर अभी थोड़े और आगे ये इन लोग आप पहले तीन लोग हैं चलिए सेंटर लोग Solo. Solo.
चलिए वेट मैम वेट वेट डन सर का सर सेंटर थैंक यू But I'll say it's all there, magic. You know, when you have such good co-actors with you, often I put it closer. And they have really got my performance up. Abhi, you played very well, but they are starting. I've been just doing it. Like, exactly. जब लोकेशन भी मैंने ये वाला मुझे करना है ये वाला मुझे करना है ये कबीरा मेरी आंखों में आपको नजर आ गया चश्मों के अंदर से देखा होगा आपने चार सवाल पूछे चारों में एक दूसरे एक दूसरे की तारीफ की आई थिंक दिस इज व्हाट ब्रॉट अस टुगेदर टू अ फिल्म आपको कैसे पता चला ये लीगल वाले कॉल इनको शोर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है एक दूसरे की तारीफ कर दी बट आप देखिए व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू नो मेट अ बंच ऑफ एक्टर्स एंड यू नो और फिल्म यूनिट जहां लोग एक दूसरे के काम की बात कर रहे हैं अपने काम की बात एंड इट्स कमिंग स्पॉन्टेनियसली आपने जैसे ही बोला कि यू नो वैरायटी होती है एक्टिंग में मैंने साथ ही बोला कि वेरी कॉम से आपका यू नो कोई हर पे एक दूसरे के काम की बात कर रहा है सो टच वुड आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज एंड दशी द कैरेक्टर भी ग्रेट मिस्टर अलग है ये बोल रहा है मैं नेगेटिव नहीं हूँ पुलिस वाला बोल रहा है ये नहीं सो एवरीबडी हैज देयर ओन ट्रूथ दैट इज व्हाई 23rd सितंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं तो घर घर घूम रहा था स्टोरी की 2016 से आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट बट यू नो द कास्टिंग ऑफ दिस फिल्म इज
वेरी डिफिकल्ट. मैं आपको बोलता हूँ, अगेन कमिंग बैक टू द ट्रैपिंग्स ऑफ आर इंडस्ट्री, के हर आदमी बोलता है इसमें हीरो कौन है. इसमें हीरो जेन्युइनली ऑल अदर प्लेयर्स. तो टू गेट फोर पीपल हु आर सो इन्वॉल्व एंड सो इन्वेस्टेड एंड सो टैलेंटेड, इट टुक मी टाइम. इट टुक द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो टाइम. इट टुक टाइम टू पुट इट टुगेदर. एंड आई वाज इन नो रश. आई न्यू ये जब भी आएगी इट्स गोइंग टू बी स्पेशल. इट डजंट हैव अ डेट स्टैम्प ऑन इट. ताकि हर टेक के बाद मेरे को लगता था ये अभी सर कट बोले ही ना, वो ऑन एंड ऑन चलता रहे. बिकॉज़ ही इज जस्ट सो वंडरफुल एंड आई हैव ऑलवेज बीन सो लाइक जस्ट फैसिनेटेड एंड इन ऑल ऑफ हिम. लाइक परफॉर्मिंग विद हिम वाज, इट वाज जस्ट मैजिक. लाइक एवरी सेकंड ऑफ मी इन द फ्रेम विद हिम ना, इट यूज्ड टू बी जस्ट, आई मीन विद देम ऑफ कोर्स इट वाज जस्ट अमेजिंग. बट टोटली इट वाज जस्ट सुपर्ब. मतलब मेरे को ये था, इतना टाइम मैंने वेट किया कि अब कब फिल्म शुरू होगी, कब होएगी. एंड ऑल द टेक्स वर गोइंग सो क्विक एंड आई वाज लाइक यार थोड़ा और टाइम, मैं थोड़ा और रीटेक्स करती हूं, देन आई कैन स्पेंड मोर टाइम विद हिम. एंड देन आई देखा यार, तो नॉट ओनली यू नो के आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम, बिकॉज़ यू नो द काइंड ऑफ यू नो मैजिक ही गेट्स. या एब्सोल्युटली. एंड देन द काइंड ऑफ यू नो जर्नी ही हैज हैड, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम. एंड ही इज यू नो हम सबसे सीनियर है वो, यू नो अपनी एक्टिंग एक्सपीरियंस में. एंड वी रियली काइंड ऑफ आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम ऑन सेट. कभी भी कोई भी फिल्म से डिस्कशन हो रही होती थी अगर, यू नो देयर वाज ऑलवेज सच अ नाइस हेल्दी डिस्कशन. और इट वाज अमेजिंग टू सी यू नो द डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव, द को एक्टर्स पर्सपेक्टिव. एंड यू नो लंच टेबल पे डिनर टेबल पे बात हो रही है, वो बहुत समझ में आता है कि यार ये इंसान जो बोल रहा है वो शायद कहीं ना कहीं यू नो एक्सपीरियंस से आ रही है. आई मीन ऑफकोर्स जैसे सर ने बोला 2016 से सर के पास स्क्रिप्ट थी, है ना. सो ही विल ऑलवेज हैव दैट मास्टरी ऑफ द स्क्रिप्ट एंड ऑन ड्रॉप ऑफ अ हैट ही विल हैव एन आंसर टू एवरीथिंग. बट इट्स बिकॉज ये चारों के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं रोज एक कॉन्वर्जेशन होती थी. एंड आई थिंक हिम बीइंग द सीनियर मोस्ट, ही हैड अ रियली नाइस यू नो ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ द फिल्म. डायरेक्टर साहब कितनी आजादी हुई थी सेट पर या बॉस स्ट्रिक्ट? सर तो बॉस स्ट्रिक्ट. उसके अंदर कोई भी सवाल नहीं पूछा इनसे. स्पेशली लुक टेस्ट कराया गया सिर्फ इसके लिए कि पार दिस हाउ यू गोना लुक. एंड आई वाज लाइक डूड. एंड उसके आई थिंक नॉट नेक्स्ट डे, उसी रात को शायद हम एक डायलेक्ट कोच को मिले जिन्होंने यू नो उसी दिन से क्लासेस स्टार्ट कर दी. एंड टच वुड इट वाज ब्यूटीफुल. इट वाज दिस कनेक्शन ऑफ टेस्टिंग. आई थिंक आई एक्ट्रेस के लिए होता था फ्लावरी टाइप्स फिल्मों की गाने घुमाता लग गया. आपने जैसे देखा उसमें जो साची का कैरेक्टर है, आई थिंक इतना इंटरेस्टिंग था द वे सर हैड रिटेन. देयर कुड हैव बीन नथिंग एल्स बट दिस. मीन आई थिंक इतना कुछ है इसमें एज एन एक्टर टू गिव एंड टू परफॉर्म. इतनी क्यूरियोसिटी थी मेरे को उसको जानने के लिए कि आई वाज लाइक कि वाओ दिस इज अ ड्रीम. आफ्टर शी सेड यस नो पीपल आर पेइंग मनी. आज वी आर आई मैं आज फिल्मिंग करूँ बट मैं ऑडियंस ज़्यादा हूँ. मैं पिक्चर एक या दो बनाऊँगा 100 देखता हूँ. सो मैं तो ऑडियंस ही हूँ. सो एज एन ऑडियंस मेक श्योर दैट व्हाट आई एम सीइंग आई लाइक इट. ग्रेस मार्क नहीं देती. बट आफ्टर आज की फिल्म कोई ग्रेस मार्क नहीं देती. फिल्मों को नहीं किसी भी चीज़ को किसी रिकॉर्ड टाइम हमने प्लान किया था 44 days of shoot. We are finishing in 29 days. Yeah. Yes. और भी एंड में क्या था? बबल क्या? मैं बोल रही हूँ सर ने मेरे लिए रखी थी. Honestly, मैंने extra रखे थे because she is new. He was also playing something new. Yeah. So I said, me, I must give that leeway to my actors. कि अगर उनको time चाहिए, sometimes it takes time. So हमने रखा था production and the producers were also very nice. They said no. And then working with Nina sir, Nina sir was a very good venue. It's been overall very well.